नमः समय साराय स्वानुत्याजगास्ते चेसवावाय भावाय सर्वभावांतरस्ते समय सार कारण परमात्मा नित्य निरावरण निष्क्रिय निर्वाण स्वभाव से ही मुक्त सहज सुखमय, इतनी चर्चा कल हो गई थी। आगे अलौकिक अहितुक जिस स्वाभाविक भाव अकेला आनंदमय, अकेला आनंदमय, अकेला आनंदमय, अकेला, अकेले में आनंदमय नहीं, विश्व में एकमात्र पदार्थ जो आनंदमय है, अकेला आनंदमय विश्व में एकमात्र पदार्थ ऐसा है जो आनंदमय है, बाकी कई आनंद है। समझाना पड़ेगा दृष्टांत दे दे करके, अकेला आनंदमय गजब हो गया। स्त्री पुत्र मकान दुकान व्यापार धंधा इज्जत आबरू, इसमें तो आनंद है ही नहीं, ये तो आपको भी स्वानुभूत होगा, इसमें आनंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक समय के लिए नहीं है, वो आपको ही महसूस हो रहा होगा। हम तो ये कह रहे हैं अरहंत सिद्ध भगवान की ओर देखना भी आनंदमय नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है, अरहंत सिद्ध भगवान को देखकर हमें आनंद नहीं आता, क्यों नहीं आता? दृष्टांत, जैसे कोई रसगुल्ला खा रहा हो और आनंद ले रहा हो तो हम उसे देखें तो हमें आनंद आएगा कि नहीं आएगा? वो रसगुल्ला खींच रहा है वो खा के आनंद ले रहा है, उसका चेहरा देखने से अपने आनंद आए? अरंत सिद्ध भगवान अपने आनंद में मग्न है, अपने आनंद में मग्न है, और हम उन्हें देखें तो लार तो टपक सकती है, लार तो टपक सकती है, मजा आ रहा है, खाए बहुत बढ़िया लग रहा, अच्छा लग रहा, बहुत टेस्टी, ऐसा तो हो सकता है? अरंत सिद्ध भगवान को देख करके आनंद नहीं हो सकता है, आनंद के सोर्स का पता लग सकता है इशारा। अरहंत सिद्ध भगवान को ज्ञापक निमित्त कहा है शास्त्रों में, उनके निमित्त का नाम है ज्ञापक, ज्ञापक का मतलब होता है बताने वाले, आनंद के निमित्त नहीं है, आनंद के बताने के निमित्त हैं, ज्ञापक निमित्त समझ गए, माइलस्टोन। आप जा रहे हो कार में, आपको बॉम्बे दिल्ली कहीं जाना हो, चौराहे पर एक दिशा निर्देशक आया, माइलस्टोन क्या कहलाता है, डायरेक्शन देने वाला, इस दिशा में मुड़ जाओ, ठीक है? जैसे वो ज्ञापक है तुम्हें नहीं ले जाता, ज्ञापक है तुम्हें नहीं ले जाता, उस पर ये तो लिखा है बंबई 872 किलोमीटर, तुम उस पर बैठ जाओगे तो बंबई नहीं पहुंचोगे, और वहां बंबई है भी नहीं, पहुंचोगे भी नहीं और है भी नहीं लेकिन दिशा बता रहा है उधर जाओ। हमारे भगवान की प्रतिष्ठा केवल इसलिए की जाती है, वे अंतर्मुखी होके कह रहे हैं सुखी होना है,
तुम रोज शिकायत कर रहे हो, प्रभु मैं सब जगह देख देख के भटक रहा हूँ, सब जगह देख देख कर दुखी हो रहा हूँ, भगवान फौरन इशारा कर रहे हो, तुम्हें मेरे जैसा सुखी होना है, होना है बोलो। तो जहाँ मुझे सुख मिल रहा है वहीं तुम्हें मिलेगा, मैं अपने में जाता हूँ, तुम अपने में जाओ। एक बहुत बढ़िया पुराण है, अपने पुराण है, पढ़ना बस उसे पढ़ना, मैं कह ही सकता हूँ फिलहाल तो, उसके एक लाइन बता रहा हूँ आपको। ग्रहित मिथ्या दृष्टि गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, वेदांत का पाठी और 500 विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला उनका गुरु। 500 विद्यार्थी मैंने आजकल के हिसाब से मत लगाना, 500 देश के, 500 नगरों के, 500 गांव के, भागे भागे एक एक विद्यार्थी। पढ़ाने की व्यवस्था ज़्यादा नहीं थी कॉलेज जैसी। उनका गुरु, नो एनी टॉक पॉसिबल महावीर भगवान से, कोई गड़धर भी नहीं था, कोई से पूछ भी नहीं सकते थे। क्या कुछ हुआ होगा, क्या कुछ हुआ होगा, गौतम स्वामी पहली बार मान स्तंभ के सामने आए, मान गल गया, क्यों गल गया, कैसे गल गया, ये अभी तक कोई नहीं बताता। फिर भगवान के सामने गए समोसरण की सभा में, और भगवान को देखते से ही कपड़े उतार दिए, केस लॉन्च हो गए, दीक्षा हो गई, चार ज्ञान के धनी हो गए, कैसे हो गए, मेरा प्रश्न है आप सबसे। ये स्टोरी में कहीं नहीं लिखा है, हो गया इतना तो लिखा है। महावीर भगवान को देख करके उन्हें चार ज्ञान हो गए, चार ज्ञान हो गए माने 63 रिद्धि हो गई इतनी देर में, कपड़े उतारते से 63 रिद्धि हो गई, चार रिद्धि जीती है ना वो तई, कोई जहर दे तो अमृत बन जाए, ऐसी ऐसी रिद्धियाँ हुई कितनी देर में हुई। आखिर करा क्या, हमारा तो प्रश्न ये करा क्या, वे तो बोले नहीं ये तो पक्का है। सोचना जरा शांति से, पढ़ लेना, मैंने कहानी लिखी इसके ऊपर छोटी सी, पढ़ना है, बहुत जोरदार कहानी है, खोला है उस विषय को, हुआ क्या था। ज्ञापक निमित्त माइलस्टोन कुछ नहीं बोला, तुम बम्बई पहुंच कैसे गए, अब इसमें छिपा है उसका उत्तर। ओहो भगवान की मुद्रा देख करके ही लगा, ओहो सुखी होने का उपाय तो अंदर अंदर है, बस वे भी अंतर्मुख हो गए। पढ़ना उसमें विस्तार से लिखा है मैंने, उनने क्या क्या देखा, क्या क्या सोचा, वो क्या हुआ, वो सब उसमें पढ़ लेना। आप क्या कह रहे हैं, अकेला आनंदमय, अकेले में आनंदमय नहीं, क्या फर्क पड़ गया अकेला आनंदमय और अकेले में आनंदमय। आगे बैठो, बीच में एक आदमी की जगह कहूँगी, समझ में आया कुछ, जरा ध्यान से सुनना। अकेले में आनंदमय अर्थ करने पर भ्रम हो गया, वो तो शादी के बाद नहीं हो सकता, घर गृहस्थी में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अकेले में आनंदमय। और आप घर में तो अकेले रह नहीं सकते, जॉब में अकेले रह नहीं सकते, शादी विवाह में अकेले रह नहीं सकते, युद्ध में अकेले रह नहीं सकते, फिर नरक में, तो नरक में कहाँ जाता होगा, क्यों, सम्यक दर्शन करने के लिए, बोलो चौथा पांचवा गुणस्थान करने के लिए नरक में कहाँ जाता होगा। वहाँ एक जॉन बना हुआ, जॉन सम्यक दर्शन जॉन, मार फीट फ्री, मैंने वहाँ उसे मारपीट नहीं होती क्या, हाँ ऐसा है क्या, अकेले में नहीं अकेला आनंद। इसका क्या मतलब निकला, जो लोग सम्यक दर्शन करने के लिए शिकायत करते हैं, क्या बताएं पंडित जी, पंडित जी पत्नी के मारे परेशान, बच्चों के मारे परेशान, जैसा खिलाती वैसा खाना पड़ती। मैं बहुत कहता हूँ तू अटपेरा नमक दे दिया कर, वो अटपेरा घी बना लिया कर ताकि मेरे धर्म हो जाए, वो बनाती नहीं है। अभी कह के देखो आप लोग घर में जाके, आज से मैं शुद्ध मार्ग में चलूँगा, 100% शुद्ध बनाओ खिलाओ, फिर देखना। ऐसा करना था तो शादी के पहले कहते, शादी के पहले तुम आइसक्रीम खा रहे थे, होटल में घूम रहे थे, अब रूप बदल रहे हो, झगड़े हो जाएंगे स्वरूप। अरे अकेले में नहीं, सबके बीच में रहता हुआ अकेला आनंद में, पॉइंट पकड़ में, अकेला लिख लो, हम नहीं जानते आप लिख लो, मुझे पता है आप सम्यक दर्शन इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप शिकायतों से भरे हो, और ये शिकायतों को ख़त्म कर रहा है। आपके पास शिकायतें हैं, अब कौन सी चीज़ें आप जानो, यहाँ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लिखा है अकेला आनंद में, और तुम कहाँ समझ गए
क्या बताएं पंडित जी, थोड़ी देर शांति मिले। एक काम करो, शांति में फिर नींद क्यों आ जाती है? कभी शांति मिल जाती है? संडे का दिन होता है, संडे का दिन चलो भैया ये कई दिन तो मिला, फ्री हो के सो ही जाओ, ये तो स्वानुभव करो ना। मैं इसका भी दृष्टांत दे देता हूँ, अकेला आनंदमय का दृष्टांत। दृष्टांत के दिए बिना आपको उसका भाव नहीं पकड़ में आया। रेलगाड़ी में एक लड़का है 30 साल का, उसकी सगाई शादी नहीं हो रही थी 8 साल से, मतलब वो परेशान 8 साल से ज़्यादा था। 22 तक तो उम्मीदवार है, कोई बात नहीं, 8 साल में उसकी उम्मीद है पूरी नहीं हुई, लेकिन 30 साल की उम्र होने पर उसको सगाई हो गई और इतनी बढ़िया लड़की से हुई, दी बेस्ट, चौथे काल की है ना, विश्व सुंदरी से अब तो ठीक है, मैंने अच्छी लड़की सगाई हो गई, बहुत सुंदर, और एक छोटा सा रिंग मिल गया उसको, रिंग सेरेमनी हो गई उसकी, और वो बम्बई के लोकल ट्रेन में लटका हुआ है, लटका है मैंने गेट पे लटका हुआ है। इसका मतलब बहुत भीड़ है बॉम्बे में, दिन भर लोकल ट्रेन की धक्कम धक्का, गर्दी कहलाती है वहाँ पे गर्दी, और टंगा हुआ है वो। उस समय वो सगाई के अभाव में, शादी के अभाव में दुखी है कि नहीं? अब बोलो क्या कहना है? नहीं है तो उधर तो पत्नी भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, बातचीत भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं चला सकता, चैटिंग भी नहीं कर पा रहा है। उस समय उसे कौन आनंद दे रहा है? रिंग। हाँ बोलो, गिर जाए तो अब समझ में आ रहा है कुछ? वो जो निर्णय हुआ है, सगाई शादी का निर्णय हुआ है, अकेला वो ही आनंदमय है। उस समय गर्दी बहुत है, कोलाहल बहुत है, ट्रेन भाग रही है, धड़ 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 धड़, आवाज बहुत हो रही है, खड़े होने के लिए एक पांव रखने की जगह मिली है मुश्किल से, इतनी घोर प्रतिकूलता और उपसर्ग में भी उसे क्या लग रहा होगा? पता भाई क्या लग रहा होगा उसे? ये है अकेला आनंदमय। बगल में टंगा हुआ दूसरा उसका फ्रेंड उसे, एक बात है, जब से तू कल परसों से आया कहीं से बाहर से, तब से तेरे चेहरे की रंगत बदली हुई है, बात क्या है, बात क्या है? तो वो रो रो के बताएगा, अभी रुक जाए यार टंगे यहाँ, ऐसे करके बोलेंगे, शांति से बताऊंगा जरा, ऐसे बोलेंगे। एकदम स्वानुभूति की स्माइल पास, क्यों क्या हुआ? समझ में आ गया भाई? यही है अकेला आनंद भाई। जैसे ही तत्व का निर्णय हुआ, ना भीड़ ना अकेलापन, कुछ नहीं चाहिए, सदा आनंद, सदा आनंद, सदा आनंद। इसलिए आत्मा का एक नाम है सदानंदमय। नाम सुना होगा सदानंदमय, सच्चिदानंद वो अलग करते थोड़ा, ये तो सदा आनंदमय, अकेला आनंद, बहुत गजब है अकेला। ऊपर कुछ शब्द रह गए, अलौकिक, अब एक नया शब्द है अलौकिक। दिक्कत ये है, पॉइंट पकड़ो जरा, तुम उसे लोक में ढूंढ रहे हो नंबर वन, और लौकिक रीति से ढूंढ रहे हो नंबर टू, ये दो मिस्टेक हो रही है। सम्यक दर्शन होने नहीं होता जो लोक में ढूंढ रहे हैं और लौकिक रीति से ढूंढ रहे हैं। अब लौकिक रीति में मैं ज़्यादा बोलूँगा, लोक में तो तुम ढूंढ ही रहे, वो तो पक्का ही है। व्यापार में सुख ढूंढ रहे, पत्नी में सुख ढूंढ रहे, बच्चों में सुख ढूंढ रहे, और सुखी कोई नहीं है, ये तो पक्की बात है। इस पर फैसला तुम ही कर लेना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ लौकिक रीति क्या है। लौकिक रीति बिल्कुल वही है जिसको हम कहते हैं चरणानुयोग का संस्कृति। चरणानुयोग की टोटल संस्कृति लौकिक रीति वाली है, क्योंकि वो लोक में देख करके होती है। खान पान, उठना बैठना, चलना फिरना, कपड़े पहनना, मकान बनाना। अब हम लाख कह दें तुमसे कि तुम घर में वो लैट्रिन मत बनाओ, 50 साल पहले तक लोग घर में लैट्रिन बनाना अच्छा नहीं समझते थे। थोड़ा एक दलान होती थी, उसके बाद बरांडे के बाद एक जगह बना देते थे उसको बाहर। अब हम लाख कह दें कि तुम अपने कमरे में मत बनाओ बाथरूम लैट्रिन, में तो बनेगी। अब तुमने कोई ने नहीं पूछा पंडित जी चरणानुयोग में क्या लिखा है। मकान बनाने के मामले में कोई चरणानुयोग से नहीं पूछता,
कपड़े के बारे में किसी ने नहीं पूछा ये कपड़े चरणानियों के अनुसार है कि नहीं। सबको पता है पुराने जमाने में क्या पहनते थे। ये टोटल का टोटल लौकिक है। खाने पीने का ढंग, मैं लाख कह दूँ आप डाइनिंग टेबल पर मत बैठो तो वो बैठोगे, कुर्सी पर बैठोगे, अब नहीं मानोगे। मैं लाख कहूँ पाटे पर बैठो, चम्मच से मत खाओ, हाथ से खाओ, वो नहीं 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 करोगे आप। मैं इसमें माथा भी नहीं मार रहा, लेकिन हम लौकिक रीति से ढूंढते हैं। हम सम्यक दर्शन कहाँ ढूंढ रहे हैं? लौकिक रीति, समझ गए? पांच इंद्रिय के माध्यम से बेटर देन किया जाता है, इसमें हम पक्ष में हैं, लेकिन इससे बेटर होगा ये इस पक्ष में नहीं। जब कुछ शब्द फर्क पड़ गया, पानी छानो बिल्कुल बढ़िया बात है, बिल्कुल छानो, खान पान शुद्ध करो बिल्कुल बढ़िया बात है, लेकिन इससे सम्यक दर्शन 1% भी नहीं होगा। उल्टा मत लेना तो फिर हम नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे। इधर नहीं छानोगे तो फिर पानी बोतल का छाना पियोगे, पियोगे तो सही। बेटर ये है दिमाग लगाओ, ठीक। बाबूजी एक बात कहते थे, जो स्थूल कामों में दिमाग नहीं लगा सकते वे सूक्ष्म कामों में भी दिमाग नहीं लगा पाएंगे। वो समझ गए होगे? स्थूल खान पान उठना बैठना चलना फिरने में तुम्हारा विवेक नहीं लगा पा रहे, तुम ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे, कब खाना कहाँ खाना कैसे खाना इतने में ही नहीं कर पा रहे, तो आत्मा में कैसे लगाओ? आए समझ में आ रहे? तो आवाज आप अलौकिक लोक में मिलेगा नहीं और लौकिक रीति से मिलेगा। लौकिक रीति थोड़ा खुलासा करूंगा, अभी दो स्टेप बोल दी, अब तीसरी स्टेप गहरी बात है। जैसे सिद्ध भगवान को मिला है वैसे मिलेगा। अब समझ में आपको कुछ नहीं आया होगा, जैसे सिद्धों को मिला है वैसे मिलेगा, मुझे पता है कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मेरे पास आगम संबंध लाइन यही है। बोलूं खोलूं? आत्मा का विचार करने से आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि सिद्ध भगवान आत्मा का विचार नहीं करते। छठे गुणस्थान तक आत्मा का विचार है, सातवें गुणस्थान में आत्मा का विचार नहीं करते, आत्मा ऐसे मिलता है। अब पंडित जी अब तो टफ ही होगा, पहले ही तो आत्मा को विचार नहीं चला था, और उन विचारों से होगा नहीं, वो आपने पहले ही मना कर दिया, और आत्मा के विचार से भी नहीं होगा। सुनो, आत्मा के विचार से आनंद नहीं आता, आत्मा के निर्णय और अहम से आनंद आता है। सगाई शादी की बात चलती रहे, बात चलती रहे, बात चलती रहे, तब तक मजा नहीं आता, जब दोनों साइड से यस होती है ना, यस, उसके बाद स्वानुभव होता है। नहीं कब होता है? मान लो हाँ नहीं करे तो, अब लड़की बहुत बढ़िया है, घर बहुत अच्छा है, करोड़ों का दहेज देंगे, फला करेंगे, सब बात बढ़िया है, लेकिन हाँ तो करे वो हाँ ना करे तो आनंद कब आता है? चर्चा से, विचार से, निर्णय और अहम से। ऐसे हम यहाँ कह रहे, आत्मा का विचार करने का निदान मत बांधो, कुछ कह रहा मैं, निदान मत बांधो। आत्मा के विचार निदान करने से 11 अंग 9 पुर का पाठी हो जाता है वो, लेकिन आत्मा नहीं मिलता। शास्त्र पढ़ते समय ध्यान से सुनना, 99% गलती हो रही है। शास्त्र पढ़ते समय आत्मा का निर्णय और अहम करना मुख्य नहीं होकर के, मेरे इतने ग्रंथ पूरे हो गए, चरणानियोग पूरा हो गया, गोमर सार जी पूरा हो गया, बड़े जो लोग धबला पढ़ते हैं गर्व के साथ बोलते, आजकल स्वाध्याय का क्या हमारा धबला चल रहा है, धबला, और परसों हमने वो सरबार सिद्धि पूरी की है, और अब जो पढ़ रहे, मुझे वो ऐसा लगता है जैसे घड़े में ज्ञान भराता जा रहा हो, तो ऐसे होता जा रहा है वो। समझ में आ गया कुछ? लौकिक रीति माने 11 अंग 9 पुर का पाठी, विचार ना, तू विचार मत कर, अनुभव कर। अब आपको मैं समझता हूँ, आप परेशान हो रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि पहले तो इसका विचार नहीं चलता और तुम कह रहे मत कर, है ना, प्रॉब्लम है कि नहीं? तो मैं समझाता हूँ, समझो, निर्णय के स्थान पर विचार करना निर्णय को नष्ट करता है। फिर से बोल रहा हूँ, निर्णय के स्थान पर विचार करना निर्णय को नष्ट करता है। दो बार बोल दिया, याद हो गया होगा, क्या बोला?
निर्णय के स्थान पर विचार करना निर्णय को बहुत गरिष्ठ बात है। कल्पना करो आपका बेटा खो गया, बेटा खो गया और थाने में मिल गया, वो क्या करना चाहिए? अब थाने में आपका बेटा है और आपको पता है कि मिल गया और आप गए और आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया मेरा बेटा है। थानेदार ने कहा भैया यहाँ साइन करो, आपका बच्चा रिसीव करते ना, क्या कहते पंचनामा बनाते हैं, क्या करते कुछ कुछ जो भी कुछ करते हो, साइन करो भाई विचार कर रहा हूँ। अरे भले क्या विचार कर रहे हो, ले जाऊं या नहीं? बोलो आपको क्या लग रहा है भाई, जब इतना विचार हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, पता लग गया, तूने रिपोर्ट भी लिखाई थी हमारा बेटा खो गया और हम कह रहे हैं बेटा मिल गया, आ गया आ गया बेटे आ गया, नहीं जगह है, जगह है, जो उधर जाना चाहे उधर भी निकल जाए, आ जा बेटी चलो चलो। और निर्णय का अब तो ले जाना तो, अब भी यदि कोई मैं विचार कर रहा हूँ, ऐसे ही गुरु कहते हैं, जब गुरु ने शिष्य को कहा द्रवगुण पर्याय से निर्णय कराया, नए निक्षेप से निर्णय कराया, प्रमाण से निर्णय कराया, तू तो निर्दोष ज्ञायक है, तू तो भगवान है, अब वो कह रहा मैं विचार करूँगा, इसका मतलब तुझे भगवान का विश्वास नहीं, तुझे आचार्यों का भरोसा नहीं है। लोग यदि हम लोग चर्चा क्यों नहीं करते, ईमानदारी में खुद ही बता रहा हूँ, मैं चर्चा नहीं करता किसी से, क्यों नहीं करता? लोग कहते आप चर्चा नहीं करते, हमने कहा हम चर्चा करेंगे भी ना तो आखिरी उत्तर तुम्हारा ये होगा, एक ही ग्रंथ में तो लिखा है, सब जगह तो नहीं लिखा, सब जगह तो लिखा है आत्मा मोही है, रागी है, द्वेषी है, पापी है, ये ग्रंथ में लिखा है आचार कौन कौन, तो एक ऐसे बोले नहीं नहीं आचार कौन कौन काका लिख गए, ये कहीं नहीं तो लिखा है। बस अब हमने चर्चा बंद कर दी, सुनो फाइनल डिसीजन एक बार लिखा जाता है और आरोप प्रत्यारोप की चर्चा असंख्यात बार की जाती है, समझ गए कुछ क्या कहा मैंने? क्यों जज का डिसीजन कैसे लिखा जाता है, फिर वादी ने कहा, प्रतिवादी ने कहा, वादी ने कहा, प्रतिवादी ने कहा, तुम अपराधी हो, तुम हत्यारे हो, तुम्हारे सबूत मिले, फला हुआ, जे हुआ, वो हुआ, कितने कितने पेज की लिस्ट बन जाती हो, हजार हजार पेज की FIR क्या करते हो, जो भी कच कर चार्ज शीट में कितने लंबी लंबी हो जाती है, बोलो। आखिरी में जज ने लिखा अंततः फाइनल फैसला ये है कि बरी, तो तुम क्या करोगे बोलो, नहीं जाओगे ना घर? जज कह रहा यू आर बरी एग्जाम, वो कह रहा मैं विचार करूंगा। अरे बड़ा मामला सीरियस, कितने आरोप लगे, कितने अखबारों में फोटो निकले हो, कितने वो वीडियो निकल गए हो टीवी पे, मेरी कितनी बदनामी हुई, इतनी आसानी से नहीं निकलूंगा, क्यों क्या कहेगा वो, विचार करूंगा। बोलो कितनी देर लगेगी उसे आनंद करने में? भाई साहब समय सारजी परमागम, यह पूरे द्वादश अंक का डिसीजन मैटर है। कांजी स्वामी प्रभावित इसी से होके आए, कांजी स्वामी से पहले श्रीमद राजचंद जी से प्रभावित होकर आए थे, गणेश प्रसाद जी बर्णी जी, समझते हो गणेश प्रसाद जी बर्णी जी, उन्हें इसकी टीका आत्मख्याति टीका बर्ड टू बर्ड याती संस्कृत में। भागचंद जी जिनका महावीराष्टक पढ़ते हो आप, उस बार श्वेतांबर थे, वो इसे पढ़कर आए थे, कितों के नाम सुनोगे इतिहास में, इसलिए ये डिसीजन है। हाँ नहीं समझ में आते पूछो ना, ये ऐसे कैसे लिख रहे हैं, ऐसे कैसे लिख रहे हैं, बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल लिखा है इसमें, एक एक आचार्य जयसेन स्वामी ने पूरा प्रमाण नए निक्षेप से सिद्ध किया इसमें, पढ़ो। चलूं आगे चलूं, अलौकिक विचार करने से नहीं मिलेगा, ध्यान करने से नहीं मिलेगा, बैठने से नहीं मिलेगा, तो फिर पंडित जी फिर कठिन ही कठिन कर रहे, हमें तो लोगों ने यही कहा है कि ध्यान में मिलेगा, विचार में मिलेगा, वो भी सही है, सियाद बात से वो बात भी सही है, लेकिन ध्यान किया नहीं जाता है और निर्णय के बाद ध्यान होता है,
ध्यान किया नहीं जा सकता, दुनिया का कोई ताकत ध्यान करा नहीं सकती, इतने गलत के कह रहा हूँ मैं। और शुद्धात्मा का निर्णय होने के बाद ध्यान कोई माई काला रोक नहीं सकता। दृष्टांत फिर दे, बोले भाई 40 साल का लड़का हो गया, उसने 4000 पिक्चरें देख ली, पिक्चर इसलिए दिखा दी बीच में, उसे पता है कि पति पत्नी क्या होता है। अब उससे एक बात कहो, तुम समझते हो पति पत्नी? हाँ खूब समझता हूँ। तो तू एक काम कर, एक घंटा नहीं एक मिनट बैठ और तू अपनी पत्नी का ध्यान कर, बोलो कर सकता है कि नहीं? अरे नहीं समझता क्या वो? पति पत्नी बच्चे दुनियादारी सब समझता है कि नहीं? अरे MBBS है वो। बोलो भाई एक मिनट पत्नी का ध्यान कर सकता है कि नहीं? पंडित जी एक काम करा, 16 साल के लड़के की सगाई करा दे और फिर उससे कहना बेटा विवाह के पहले बहन, क्या कहा? शादी के पहले, विवाह के पहले कौन है वो? कौन है बेटा? पत्नी की तरह ध्यान नहीं करना, ऐसे ध्यान करना है एक बहन है उससे अपनी बात चल रही है, क्या सगाई हुई है, एक बहन से सगाई हुई है। बोला शब्द भी निकल पाएगा उससे? उसका ध्यान रुका सकता है कोई? अब समझ गए, शादी सगाई होना माने सम्यक दर्शन। जैसे ही आत्मा का निर्णय हुआ देह से भिन्न ही है, कर्मों से भिन्न ही है और रागादिक से अन्य ही है और रत्नत्रय केवल ज्ञान से भी अन्य ही है। जल्दी जल्दी बोल गए हम, पिछले दिन उसकी चर्चा हो गई, इसी में लिखा था पहले हो गई। बोलो भाई अब क्या होगा? आत्मा का ध्यान करना नहीं पड़ेगा, चलते फिरते उठते बैठते, तत्वज्ञान तरंगणी में लिखा है चलते फिरते उठते बैठते, अरे रोते रोते हुए भी आत्मा का धर्म ध्यान चालू। क्यों? पत्नी रो रही हो तो उसे रोते समय थोड़ी ध्यान रहता है कि मैं इनका इनकी पत्नी हूँ, हंसते समय याद रहता है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, ऐसा? बोलो क्यों? मम्मी पापा तेरे को पिटाई कर दें तो रोते समय तेरे को थोड़ी लगता है ये पापा हैं? क्यों लगते हैं? यही तो धर्म ध्यान है। अब समझ में आया? ध्यान कराया नहीं जाता और ध्यान करने की प्रेरणा लौकिक है, ध्यान होना ये नेचुरल है, ध्यान करने की प्रेरणा देना ये लौकिक रीति है। तो पंडित जी ध्यान नहीं करें, माला नहीं फेरे, खूब फेरो ना, कौन ने मना किया? लेकिन ये तो समझो कि लौकिक को लौकिक समझो, लौकिक को। दृष्टांत ही दूंगा, मेरे पास और कोई उपाय नहीं, एक एक बात बताने के लिए दृष्टांत चाहिए। बोलो भाई पत्नी पति की कब बनती है? चंदन नीचे से ऊपर चढ़ाना चाहिए कि ऊपर से नीचे चढ़ाना चाहिए, कैसे करना चाहिए? मुझे होता है ना वो फॉर्मेलिटीज होती ना, तो चंदन लेते तो नीचे से ऊपर चढ़ाना चाहिए कि ऊपर से नीचे? तुम्हारा कैसे चढ़ा था तो याद नहीं? ये फिर शादी कैसे हुई? क्यों पहले बड़ी सास ने आरती उतारी थी तेरी की छोटी सास ने? अब ये भी तुझे पता नहीं होने को नहीं पता ना, लोकिंग बहुत सारे कारनामे होते हैं, रस्सी बांधेंगे खोलेंगे जाने क्या क्या करेंगे, वो गेम खिलाएंगे पता नहीं अब क्या क्या करेंगे, अब जो भी समय। तो क्यों इससे शादी का क्या संबंध है? शादी का क्या संबंध है? ठीक है ऐसे कर लो वैसे कर लो, लड़का लड़की क्या सोचते पता है? मैं बहुत सारे लोग सजेशन देने वाले खड़े थे, अरे पहले जो तो करो, हाँ जो कर लो, अरे जो नहीं करा अब जी कर लो, तुम कछु करो जा माई है बस। तो मैं जैसे करना वैसे कर लो, मैंने उसको लौकिक रीति में अटकता नहीं, करवाता भी है और अटकता ऐसे ही। तुम्हें ज्ञान कहो ध्यान कहो चर्चा कहो वार्ता कहो सामायिक कहो पूजा कहो पाठ कहो, हमें नहीं मालूम, हमारा शुद्ध आत्मा तो हमारा है बस है बस। बोलो भाई प्रतिदिन माँ को अपने बेटे का आनंद लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सुबह से कुछ करना पड़ता है? कुछ होता तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ कंपलसरी है कि नहीं बेटा सुबह उठ के ये जरूर करेंगे? नहीं नहाता हो तो चिल्ला के बोले ना जल्दी ना स्कूल जाना है, दे मिला के तू, उस समय भी उसे लग रहा है मेरा बेटा है। और लाड़ प्यार कर ले किसी किसी दिन फुर्सत के दिन तो अभी मेरा ही बेटा है, अंतर पड़ता है कुछ?
ऐसे ही ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, जैन शासन की समस्त क्रियाओं पर ऊपर है ज्ञाया ध्रुव भगवान आत्मा, उसी के लिए तो है। काय के लिए है? उसी के लिए तो है। ऐसे आत्मा का जानना ही सबसे बड़ा काम होगा। तो कैसा है अलौकिक, लोक में मिलेगा नहीं, लौकिक रीति से मिलेगा नहीं, विचार करने से मिलेगा नहीं, कुछ कह रहा हूँ, पढ़ने से मिलेगा नहीं, सुनने से मिलेगा नहीं, समाने से मिलेगा नहीं। मर गए तुम, उल्टे उल्टे करे जा रहे। अब आत्मा में समावेश से भी नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा तो उसे जो खोया हो, मैं खुद ही आत्मा हूं ना। कुछ कह गए हम, क्या कह गए? समागो कागो। मैंने भी बहुत समावे की कोशिश करी, लोगों ने बहुत उपाय बताए मुझे समाने के। क्यों मिठास को शक्कर में समाने की क्या विधि है सुनील? नहीं, मिठास को शक्कर में समाने की क्या विधि है? बोलो बोलो बेटा, क्या गजब है। सुना होगा तुमने, अपने में समा जाते हैं। अरे ये समझाने की शैली अपने में समा जाते हैं, अपने में समाना नहीं है। मैं अपने से बाहर गया कब था? अब इसको भी दृष्टांत देता हूँ। मेरा दृष्टांत मेरे प्रवचन कोई आएगा ही नहीं। अभी आज सड़क पे चर्चा हो जाएगी, सुमित प्रकाश जी उल्टे उल्टे प्रवचन कर रहे हैं, आगम विरोध। मैं आगम विरोध प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, जिसके बल पर आगम जन्म लेता है वो सुना रहा हूँ। ये ज्ञान ध्यान तप ये सब उसके बाद उत्पन्न होते हैं, पढ़ो नियम सार जी में। उसका एक का नाम है, इस उस एक को संज्ञा मिले, लिखा है नियम सार जी में, उस एक को संज्ञा मिले तप ज्ञान चारित आदि की, संबर की, निर्जरा की, ध्यान की, ज्ञान की, नियम की, एक को संज्ञा मिले, लिखा है इसमें, पढ़ना नियम सार जी में। चलो दृष्टांत दे देते हैं। समाने से नहीं मिलता क्योंकि समाया हुआ ही है। एक कहने की शैली है, जैसे तुमने स्कूल में सुना होगा, स्कूल में क्यों भेजा घर रख के आए हो, सुना है भेजा घर रख गया है, दिमाग नहीं है तुम्हें, क्यों तुम्हारा दिमाग गाय घास चरने गया है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, गोबर भरा है। हमारे टीचर ने बहुत कछु भर दिया कि नहीं भर दिया, सुना है कि नहीं सुना डायलॉग? सामने सुने इसका बोले, तुमने सुना है? मैंने ही सुना है। सुनो कोई चिंता की बात नहीं, एक दिन हमारे टीचर ने कहा तुम्हारा दिमाग का गिरवी रख गया है, तो हमने आते थे पिताजी से पूछा गिरवी रख दिया? पिताजी बोले क्या पागलों की बातें कर रहे, दिमाग कोई निकाल सकता है जो गिरवी रखा है? मैंने कहा भाई हमारे मास्टर ने कहा था कहीं गिरवी रखा गया तो उठा के ले आओ, समझ गए कि नहीं? बता भाई दिमाग गिरवी रखना और उठाने का क्या अर्थ है, और गोबर भूसा भूसा भरा है तो उसे निकालने की विधि बताओ भाई, बताओ भाई कैसे निकालें अपन, समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे उसका इतना सा सेंस मैं बताता हूँ। जब टीचर बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहा था और तुम उस पर एकाग्र होकर नहीं देख रहे थे, नहीं समझ रहे थे, है ना, यही तो हुआ था। और जब टीचर ने पूछा स्टैंड अप, मैंने क्या बोला बोलो, तो नहीं समझे आप, तो फिर वो आपसे पूछा है आपका दिमाग कहाँ था, यही पूछा नहीं, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला जाता है, घास चरने चला जाता आदि आदि। तो वो कहता साहब कल वो पिक्चर देख के आया था, मूवी लव स्टोरी, तो समझ गया तेरा दिमाग कहाँ गया था। अब दिमाग वापस लाने के लिए क्या करे, वापस मूवी स्टोरी में जाए, टॉकीज में जाएगा फिर से देखने के लिए, दिमाग कहीं रखा रह गया वहाँ, देखने गया था तो उठा के लाएगा क्यों? अब सब हंस रहे हो, देखो इसका मतलब है, इसके कथन का मतलब समझो कि जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ उपयोग लगाओ। ऐसे ही सुनो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि तुम भगवान आत्मा हो, ज्ञायक हो, अकर्ता हो, परिपूर्ण हो, सुनते से मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, इसका मतलब है तुम्हारा उपयोग ज्ञायक में समा गया। ओनली अंडरस्टैंडिंग, ओनली अंडरस्टैंडिंग, ओनली आत्मा में समाने की कोई विधि दुनिया में नहीं है, क्योंकि समाने की जरूरत नहीं है। मिठास को शक्कर में घुसाने की, आत्मा और ज्ञान का उपयोग का और उपयोग बान का, जीवो लक्षणम उपयोग, उपयोगो लक्षणम, उपयोग तो लक्षण है, शक्कर का लक्षण मिठास है, निकाल कैसे सकोगे? तो जैसे मिठास बाहर निकली नहीं और अंदर घुसाना नहीं, ऐसे ही सुनोगे ध्यान से, आत्मा ने आज तक अपनी सीमा छोड़कर परद्रव्य में गया ही नहीं,
फिर से बोलो, आत्मा का, आत्मा मतलब तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा ने शरीर की सीमा तक नहीं गया, आत्मा ने अपनी सीमा छोड़कर एक गुण एक पर्याय तक इसमें नहीं किया, पैसा मकान दुकान तो कहाँ गई बात, आज तक एक भी द्रव्य ने अपनी सीमा नहीं उल्लंघी। याद है बेटे, क्या नाम है तुम्हारा, पदम का बेटा हंसु पाठशाला में पढ़े बच्चे, याद है, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विल साथ, ऐसे चितवे जीव तव परते ममत न था, अपने अपने सत्ता को, द्रव सत्ता को, गुण सत्ता को, पर्याय सत्ता को, सर्व 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 बिलसाए, सब अपने अपने को बिलस रहे हैं, तुम्हें खबर नहीं, तुम अभी भी अपने आत्मा को ही बिलस रहे हो, 24 घंटे जितना भी आनंद आ रहा है वो तुम्हारी आत्मा का आनंद आ रहा है, जितना ज्ञान हो रहा है वो तुम्हारा ज्ञान है, और तुम एक सेकेंड के लिए भी बाहर नहीं गए, अनादि से ही नहीं गए। अब नहीं समझ में आ रही होगी ना, फिर पंडित जी इतनी बड़ी स्टोरी कैसे हो गई, कर्म बंध, आठ कर्म शरीर, तमाम तमाम स्टोरी आपको इतनी बड़ी हो कैसे गई, मेरे से पूछोगे, हुआ कुछ नहीं था और हुआ माना था इसलिए हुआ। हाँ ऐसे ही कह दी और होगा, हम फिर कह रहे कुछ हुआ ही नहीं था, तूने माना नहीं था इसलिए हुआ तुझे लगा, जैसे टेंशन, अभी एग्जाम्पल सब इसी के दृष्टांत है, समय साजी परमागम में दृष्टांत दिया, जैसे कोई मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल जाए, मुट्ठी में रखा हुआ सोना कहाँ मिलेगा और कहाँ कहाँ ढूंढेगा बताओ, एक जगह मत देखना बाकी बताओ, कहाँ 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 ढूंढेगा बोलो, कहाँ कहाँ, तुम्हारी मुट्ठी में ही सोना है और तुम्हें लग रहा था मैंने जेब में रखा है और जेब में तो मिला नहीं, अब तुम्हें सबसे पहले शंका होगी जो अनिल बैठे थे हमारे पीछे, हो ना हो इनने खिसका हुआ, फिर अनिल ने कही भैया हमारी शंका जो ही ले लो, तो इन्हें छोड़ दो, इनमें नहीं मिला तो इनको देखने लगे, बेटा तुम बिल्कुल लग रहे हो डॉन लड़ाई चालू अरे वो सड़क पे गिर गया होगा जब अपन पॉकेट निकाल रहे थे, अब सड़क पे ढूंढा मारी और सड़क पे से कोई लेगा हुई है सफाई कर्मी, उसके घर ढूंढते फिर रहे, नगर निगम, नेताजी, मोहन यादव नहीं नहीं शिवराज मामा, कहाँ 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 भटकेगा बोलो, अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, इतना भटकाव क्यों हुआ, जिसको जिनवाणी में लिखा है पंच परावर्तन, पंच परावर्तन का इतना भटकाव क्यों हुआ, उत्तर बोलो प्रभु तू अनादि अनंत प्रभु है, हो प्रभु कपड़ा तो पहने, इतना तो खा रहे खेल रहे, मत मान, जिस दिन मानेगा इधर ही मिलेगा तुझे, बताओ शेर को सम्यक दर्शन कहाँ जाकर हुआ था प्रभु सुनना ध्यान से, चार गति में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का नाम सम्यक दर्शन है, ओनली अंडरस्टैंडिंग, नथिंग टू डू, नथिंग टू क्रिएट, नथिंग टू चेंज, नथिंग टू रिपेयर, नथिंग टू रिप्लेस, नथिंग, मुझे इतना आनंद आता है, मेरा तो मोक्ष हो गया भाई, तुम्हारी तुम जानो, मैं तो डिक्लेयर ही कर रहा हूँ, कपड़ा तो पहने, अरे तो कपड़ा तुम कपड़ा देख रहे, अभी मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ क्या कह दे, कुछ हुआ ही नहीं ना, गीत हैं सब पुराने भजनों में बहुत लिखा है, बन गई बात, बढ़ गई बात, बात कुछ भी ना थी, कुछ भी ना थी, एक भजन सुना होगा पुराने जमाने का, स्वामी जी से पहले का भजन, शास्त्र पुराण पढ़ लिए पंडित महान बन गए, पुराना भजन है जी, जाना नहीं निज आत्मा पंडित हुए तो क्या हुए तो कुछ नहीं करने, अरे कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना,
अलौकिक है, आत्मा अलौकिक है, तुम उसे लौकिक रीति से ढूंढ रहे हो। अभी भी मेरी बात का भरोसा करना कठिन है, क्यों? हाओ झट डस देंगे, अभी कोई क्या के देखो झट डस देंगे। हाओ तुम सुमत की बात में मत आओ, यहाँ से मिलते तो सवई की मिल जाते हो, ये सबरे मोक्ष चले जाते, ये सारे मोक्ष सम्यक दृष्टि हो जाती। जब जानती एक आध मुनि बनत हो, बैरियर बैरियर बैरियर, अरे प्रभु तो संतस है, जब समझोगे तब यहीं से काम होगा, हमें नहीं मालूम। स्वर्ण अपनी सत्ता छोड़कर बाहर कभी नहीं जाता, अग्नि में नहीं जाता, गटर में नहीं जाता, करोड़ों वर्षों रखे रख तो कुछ नहीं जाता, अंधेरे में रखो तो कुछ नहीं जाता, तुम भूल जाओ तो कुछ नहीं जाता, और स्वर्ण की सत्ता को तुम पीतल मान लो तो भी उसका। यदि स्वर्ण के मामले में ये हो सकता है तो जीव के मामले में क्यों नहीं हो सकता? तुम गेहूं को चना बोलने लगो, दाल बोलने लगो, गेहूं के आटे को बेसन बोलने लगो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूरा इंडिया बोले, पूरा इंडिया गेहूं का नाम चना और आटे का नाम बेसन, क्या हो जाएगा बेटे? नाम ही बदलेगा, वस्तु तो नहीं बदलेगी ना। अब बोलो आत्मा की सत्ता क्यों नहीं है, मेरी सत्ता में क्या हुआ है? पंडित जी आप तो बहुत ही ऊधम मचा रहे, अरे नाचने का मन करे तांडव करे तांडव, इंद्र ऐसी तांडव नहीं करता भगवान के सामने, गरजने की बात है, हमने कुछ करो ही नहीं, जबरन फांसी लगा रहे, हट। पंडित साहब की रचना है, पंडित साहब की रचना, रेकर में अपने ठाट तू दिखाता है किसे, और क्या है, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखलाता है किसे, किसे नहीं कर्मों का भय कुछ भी, देखो लिखा है। अरे चलो स्वामी जी से पहले गए कि भजन है बहुत प्यारा, जग के दुख की तो है, लिखा है जी, कहाँ से लिख दिया भाई, ये जग के दुख की परवाह नहीं है, क्यों क्यों लिख दिया, जग के दुख की परवाह नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बिगड़ा कुछ नहीं, केवल समझने का नाम सम्यक दर्शन है, समझते ही सम्यक ज्ञान है और समझते ही आनंद, इसका नाम सम्यक चाहिए है, निपट गया काम। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मत मानो, चलूँ आगे चलूँ, अलौकिक है, समाना है कि नहीं, अब डूबना है कि नहीं, अब ये शब्द हैं डूबना है, जैसे अपन कहते हैं स्वामी जी इसको पढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, शब्द मिलेच्छ नहीं बनना, क्या बोला, शब्द मिलेच्छ नहीं बनना, शब्द मिलेच्छ क्या होता है, शब्दों को रूढ़ अर्थ निकालना, शब्द मिलेच्छ कहलाता है शब्दों में रूढ़ अर्थ निकालना, और शब्दों में रूढ़ अर्थ निकालोगे तो तुम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे, कोई एक दिन भी, क्यों, क्योंकि शब्द बोले जाते हैं भावुकता में, उसमें वस्तु स्वरूप नहीं होता। जैसे दो चार दृष्टांत देता हूँ फटाफट, गिनती के फटाफट दृष्टांत, कभी तुमने देखा मम्मी का मूड ठीक नहीं हुए, मम्मी ने कहा था सब्जी ले आओ, अपन ले आए, तो अपन पूछते मम्मी सब्जी ले आए कहाँ रख दूँ, मेरी छाती पे धर दो, तो फिर क्या करते, मम्मी ने कहा नीचे से पानी भर ला दो बाल्टी, तो बच्चा एहसान दिखाने के लिए जानबूझ कर कहता ले आए भर के, बोलो कहाँ रखें, मेरी सर पे धर दे, हाँ बोलो क्या करें, दो दृष्टांत ही बोलते हैं, कितने चाहिए बोलो। भाई शब्द मिलेक्ष नहीं बनना, ये बच्चा तो किताबों में डूबा रहता है, ये तो बच्चा किताबी कीड़ा है, सुना होगा सब भैया, इनकी तो हाय पैसा, पैसे ही में प्राण है इनके, ये तो भैया व्यापार धंधे में ऐसे डूबे, इन्हें खबर ही नहीं काय की पत्नी कहाँ के बच्चा, बोलते कि नहीं बोलते, तो कैसे डूब जा, जरा जाके देखें अपन दुकान पे, काय कैसे डूबे, बोलो डूबे कि नहीं डूबे बोलो, अरे ये भाषा है, बोलूँ एक बहुत अच्छी भाषा, सप्त भंग में एक नय है, एक भंग है अवक्तव्य, क्या बोला, सप्त भंग में एक भंग है अवक्तव्य, इसका मतलब समझते हो, आत्मा अवक्तव्य है, वक्तव्य से समझाएंगे लेकिन मिलेगी नहीं, जब अवक्तव्य समझोगे तब मिलेगी। फिर से बोलूं, वक्तव्य के भंग है उसमें तीन ओनली और चार अवक्तव्य के हैं,
चार अवक्तव्य किए हैं। इसने कहा अस्थि वक्तव्य, इसने कहा अस्थि अवक्तव्य। तुम कहते रहो समझ में कुछ नहीं आई। नास्ती नास्ती वक्तव्य, इसने कहा नास्ती अवक्तव्य। इसने कहा अस्थि नास्ती वक्तव्य, इसने कहा अस्थि नास्ती अवक्तव्य। समझ गए तीन के अपोजिट। क्यों? क्योंकि वस्तु अवक्तव्य है, द्रव्य अवक्तव्य है, गुण अवक्तव्य है और पर्याय भी अवक्तव्य है। अब मैं जानता हूँ इतनी फटाफट मैंने जो कुछ बोला वो समझ में कुछ नहीं आया। सरल दृष्टान दे बेटे, पूछो डरोगे तो नहीं? पक्का डरना नहीं? खड़े होकर बोलेगा बैठ के बोलेगा? खड़े होकर डर? अच्छा बैठ के बैठ, हिम्मत की बात है। तेरे को मम्मी ज़्यादा प्यार करती कि पापा? सही सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। अच्छा चल, तूने झूठ बोला कोई बात, इसका उत्तर है दोनों, क्योंकि बचने का यही रास्ता है। अभी अल घर जाके फुटबॉल बन जाएगा वो। पापा का पक्ष ले तो आप हद है, मम्मी का ले तो अच्छा, रबड़ी में खिलाती हूँ, खीर में खिलाती हूँ और तूने भरी सभा में, इसलिए बच्चा ऐसी गलती नहीं कर सकता। चल दूसरा प्रश्न तेरे से पूछ लेते कोई बात। तेरी मम्मी ज़्यादा प्यार करती है पापा ज़्यादा प्यार करती है? अब बोल, अब तो बोल ही सकती है ना, अब तो है नहीं बेटर, ज़्यादा कौन करता है, थोड़ा मम्मी कि पापा? अब चलो ये भी कठिन है, थोड़ा छोड़ो, मुझे पता है मुश्किल पड़ेगी। सब सबको फीलिंग है कि मम्मी और पापा में प्यार का डिफरेंस होता है। वी कैन फील बट कांट एक्सप्रेस, और करना भी मत एक्सप्रेस, झगड़े की जड़ है वक्तव्य, झगड़े की जड़ है। इसमें अगलाई अगलाई है, अगलाई। अब यहां तो नहीं चलेगा, आप पढ़ लेना शुद्ध चित रूप। क्या लिखा है पता हूं, एक आध अक्षर पढ़ के सुनाऊं? करता हो तो भले हो, अकर्ता हो तो भले हो, चित स्वरूप जीव तो चित स्वरूप ही है। करता है ऐसा भी नहीं, करता नहीं ऐसा भी नहीं, अकर्ता है ऐसा भी नहीं, करता अकर्ता भी है ऐसा भी नहीं। कहाँ समझ? इसके लिए समय साजी ने लिखा है बहुत अच्छा, ज्ञात बो तो बोई। आप दुनिया की एक भी चीज़ की तारीफ करके बता दो तो केवल ज्ञान ही दे दूंगा मैं, पैसा वैसा हम नहीं दे रहा हूँ, मोक्ष ही दे दूंगा मोक्ष। कोई एक व्यक्ति एक फीलिंग को एक्सप्रेस करके बता दे। अब चल मम्मी पापा का चक्कर छोड़ा, अब दूसरा दृष्टा, केला कैसा होता है? हैं जोर से बोल, मीठा। अब तो राहुल गांधी में भी आवाज़ आ गई, ताकत आ गई, भाई तू जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोल तो सुनाई पड़े संसद को। हाँ भाई, केला कैसा होता है? मीठा। आम, गन्ना। हाँ इतना सोचने क्यों पड़ रहा है? केला मीठा, पहले ही पूछ गया था क्या? चलो और कोई बताओ, मीठा फल और कौन कौन सा है? पानी ये मीठा, दूध ये मीठा, शक्कर मीठी, गुड़ मीठा, ये सब मीठे मीठे शब्द एक है, पदार्थ अलग अलग। क्या कोई माई का लाल बता सकता है कि गुड़ और शक्कर की मिठास में अंतर क्या है? दूध और पानी दोनों मीठे कहे जाते हैं, घी भी मीठा कहा जाता है, तेल भी मीठा कहा जाता है, मीठा तेल हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बोल जरा सोचो, जब लौकिक अनुभूतियाँ ही नहीं बताई जा सकती तो अलौकिक अनुभूतियाँ कैसे बताई जा सकती? बोलूँ एक बहुत काम की बात, सुनोगे? मोक्ष समाज में सबसे बड़ा झगड़ा स्वानुभूति के नाम पर इसलिए हो रहा है कि हम स्वानुभूति को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तुम हमसे पूछो भाई साहब आपका अनुभव कैसा है, अब हमने एक से पूछा था तो बोले हम तो भैया प्याला भर भर के पीते हैं। तो मैं बहुत सोचता रहा कि प्याले भर के कैसे पिया जाता है। एक से पूछा तो उनके इतना इतना अनुभव होने लगा आजकल, तो अब कभी कभी इतना हो जाता, कभी इतना हो जाता। अब बताओ मुझे क्या कह जाएगा? एक से पूछा तो कहले चेतन की गहरी गहरी गुफा में हम चले जाते हैं,
एक छुल्लक जी से पूछा, छुल्लक जी का ग्रंथ है उसमें, उन्होंने लिखा है गहरी गहरी गुफा है, अंधेरी अंधेरी, वहां ज्ञान की डोरी पकड़ करके चलते चले जाते हैं, ज्ञान की डोरी पकड़ करके चलते चले जाते हैं और फिर गहरी गुफा में आत्मा मिल जाता है। हमें तो मार्ग कछु मिलो ही नहीं, डोरी ही नहीं मिली पहले तो। क्या इन्होंने गलत बताया था सबने कि नहीं बताया था? इन्होंने अपने अनुभव को बताने की कोशिश की थी, लेकिन आचार्य कौन कौन स्वामी ने लिख दिया था, पहले ही लिख दिया था ज्ञात वो तो वो ही है। सरल दृष्ट, अरे घड़ी तो देखी नहीं मैंने, सरल दृष्ट, अरे अभी है टाइम, मैं 9 से 10 समझ रहा, चलो कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से, वैसे तो समझ गए होगे। कॉलेज में दोस्त लोग बहुत तारीफ करते, कल मैंने मूवी देखी गजब गजब, तो हमने कहा अब आप लोग को प्रेरणा करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तुम भी देखो है ना, तो हमने पूछे क्या है पहला स्टोरी सुनाओ, तो स्टोरी सुनाने लगा। ऐसा गाना, मैंने ऐसे गाने तो लव सॉन्ग तो बहुत सुने हमने, फिर सैड सॉन्ग वो भी बहुत सुनी, म्यूजिक वो भी बहुत सुना है, बिछोड़ना वो भी बहुत सुना है, बाद में मरते मरते हाथ पकड़ा जाना ये भी बहुत सुना है, तो इसमें नई कहानी क्या है? तो आखिरी में उसने एक ही बात कही, यदि तुझे आनंद नहीं आए तो पैसा मेरे से ले लेना, एक बार मेरे कहने से। आखिरकार वो व्यक्त नहीं कर पाया या तुमने भी देखा होगा, आप नहीं व्यक्त कर पाया, एक बार अनुभव करके देख। हम भी कह रहे हैं आत्मा की चर्चा मत कर, क्या है तुमने 4 घंटे का प्रोग्राम बना लिया, 2 घंटे का प्रोग्राम, 1 घंटे का प्रोग्राम बना लिया, 1 घंटा सुनेंगे, 2 घंटा रेडियो पे सुनेंगे, टीवी पे और मोबाइल में काय में इंटरनेट पे सुनेंगे। बोलूँ आपको सम्यक दर्शन इतना ईजी है, इतना ईजी है, हमने लौकिक रीतियों से खुश होते हैं, खुश 4 घंटा सुनता हूँ रोज, 6 घंटा सुनता हूँ, हम तो खाते खाते भी सुनते हैं, बनाते बनाते भी सुनते हैं, भक्तावर चलत रहे, हम लेटरिन कर याद कुल्ला कर याद, आप समझ गए, लौकिक रीति से आप सम्यक दर्शन नहीं करते हो, सम्यक दर्शन करने का अभाव करते हो। मैं जानता हूँ मेरी बात नहीं पचेगी, नहीं पचेगी, सबको यही लगता है, तो उपयोग सुधरा था थोड़ा, सुनत सुनत रोटी बनाओ था। मैं एक रोगी को देखने गया, मरीज मैंने बुजुर्ग गई थी समझ लो, तो हम कि थोड़ा धर्म ध्यान करना भाई, उम्र अंतिम है, 80-80 साल की उम्र है, अब धर्म ध्यान करना। पंडित जी बहुत ही धर्म ध्यान हो रहा हो, सुबह से जो टीवी में प्रक्षालात अभिषेक हाथ फिर पूजन हाथ चलाते ही रहे थे, हम भले ही सो जाएं लेकिन वो चलत रहे, तो हमारा धर्म तो चल ही रहा। अब बताओ जाए हम कहा समझाएं, नहीं रियली बताना क्या हो रहा है, क्या क्या कहें, अब हम उनसे कह रहे धर्म ध्यान थोड़ा कर लेना, तो वे कह रहे बहुत कर रहे हम तो। आप इस भ्रम में जीवोगे तो दर्शन मोहिनी का बंद हो रहा है, इसमें आपको मेरे प्रवचन भी समझ में नहीं आएंगे, दर्शन मोहिनी का बंद हो रहा है, तो सब नहीं सुने। मैं कहता हूँ बहुत सिंपल सी बात है, 2 सेकंड का काम है, आप करना चाहो तो चार्ज कर लो, शक्कर को क्या करना है मीठा अनुभव करने के लिए, बस इतना सा निर्णय करो, क्या आप शक्कर के प्रवचन सुनते रहते हो? नहीं साहब, 4 घंटा शक्कर पुराण बचा, शक्कर पुराण नाना युक्तियों से तर्क से सिद्ध करते हैं, चूंकि शक्कर से हलवा मीठा होता है इसलिए सिद्ध हुआ कि शक्कर मीठी है, कभी खीर मीठी होती है, कभी रायता मीठा होता है, पता नहीं क्या होता, जो कभी ठंडाई मीठी होती है, फला मीठे होते हैं, तो आपको प्रवचन सुनते हो शक्कर पुराण की, अरे इसमें क्या दिक्कत है, शक्कर मीठी है, ऐसे 6 द्रव्य अपने में परिपूर्ण हैं और मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, इसके विश्वास के बाद करना क्या वहाँ गिरा, लेकिन वो रीति में फंसे हुए हैं, और जब यदि मेरी बात आती है ना, लोग मेरे से भी नाराज हो जाते, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, प्रेरणा करो, खूब पढ़ो, खूब सुनो, खूब सुनो, खूब सुनो, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं करूँगा तो सब कर ही रहे हो, तो मैं तो ये कह रहा हूँ निर्णय करो और अनुभव करो। पुलिस स्टेशन में तुम्हारा बेटा मिल गया,
जल्दी आइडेंटिफाई करो, घर ले जाओ। नहीं नहीं मैं 4 घंटे रोज आऊँगा, इस बच्चे की सकल सूरत देखूँगा, न्याय से तर्क से फ़ोटो से मिलान करूँगा, पहले तोलूँगा वजन कितना है, DNA टेस्ट करूँगा, मेरा ही है कि बदल बदल गया। ऐसी बकवास करते हो तो फिर आत्मा में क्या बिगड़ा है, फिर पूछे आ जाओ वापस, क्या कह रहे हैं, कितना बढ़िया है, अलौकिक अहेतुक, एक शब्द है अहेतुक, ऐसे मस्ती है इसमें मस्ती, अहेतुक अहेतुक, इसलिए 3-4 बार बोल दिए याद रह जाए आपको, अहेतुक में क्या है बोलूं, बहुत सरल दृष्टान, एकदम सरल दृष्टान, सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा। शक्कर किस कारण से मीठी है, हेतु बताओ, यह है अहेतुक। सूरज सुबह क्यों निकलता है, कौन, हेतु बताओ, हेतु, क्योंकि उसे उजाला करने की ड्यूटी है, बोलो। फिर मुमुक्षु लोग कैसे पूजा करने जाएंगे सुबह सुबह, इसलिए निकल आता है, चल चल भाई जल्दी करो, फिर लेट हो जाएंगे, फिर लोग प्रवचन कर पाए, क्यों निकलता है सूरज, अहेतुक, शक्कर क्यों मीठी, अहेतुक, ठीक। आत्मा क्यों है आत्मा, ज्ञान क्यों है ज्ञान, क्यों ज्ञान क्यों जानता है सोपर को, उत्तर अहेतुक, ज्ञान क्यों मिला, उत्तर बोलो अहेतुक, तुम्हारा उत्तर अलग है मुझे पता है, तुम कहते हो पंडित जी इतनी इंटेलिजेंसी मिली है तो कमाओ, इतनी इंटेलिजेंसी मिली तो खींचो, 1 करोड़ रुपया की डिग्रियाँ इकट्ठी करनी है, 1 करोड़ की तो 10 करोड़ का डिपार्टमेंट ढूंढो, मलाईदार PWD खींचो जी है गड़बड़। अरे ज्ञान मिला था अहेतुक जानकर आनंद करने के लिए, और तूने ज्ञान को बना दिया सहेतुक, जब बेटा इतना ज्ञान है तो शादी करो, इतना ज्ञान है तो कमाओ, इतना ज्ञान है तो मकान बनाओ। हर आदमी को पता है राम नाम सत्य होती है और बेवकूफ बन जाता है, करोड़ों कमा जाता है, करोड़ों की बिल्डिंग बना जाता है, सारा इज्जत आबरू यहीं धरी रह जाती सारी, और इतना कीमती भाव जो भगवान बनने के लिए मिला था खत्म। हर आदमी सोचता है मेरा नाम रहेगा, क्या खाक नाम रहेगा, तेरे से बड़े बड़े अरबपति खरबपति मर गए, नहीं मेरा भी नाम रहेगा, एक कोठरिया बना गए हम, मरते हैं अपने बच्चों को एक आध बैलेंस दे जाएंगे, 1 करोड़ को, 1 लाख को, 10 लाख को, दूसरे बाप तेरे से ज़्यादा दे रहे। आज तक मैंने देखा एक भी बेटा अपने बाप की बसियत से संतुष्ट नहीं, एक भी बहू अपनी सास से खुश नहीं है कि कम से कम हमारी सास ने 1 किलो सोना तो दो, तुम 10 किलो दे जाओ, 10 किलो हीरे दे जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं। काय के लिए आए थे भाई साहब, आत्मकल्याण के लिए, फोकट में चली गई जिंदगी, अब इस पर ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ज्ञान अहेतुक मिला था, लेकिन हमें सहेतुक मान लिया, ये मिथ्या थी। ज्ञान कमाई करने के लिए नहीं मिला था, अनंत काल दुकान ना खोलनी पड़े इसके लिए मिला था। ज्ञान शादी करने के लिए नहीं मिला था, अनंत काल ब्रह्मचर्य से कैसे रहा जाता है मोक्ष में ये सीखने के लिए मिला था। बोलो कहाँ तक बोलूँ मैं, कौन कौन 11 वर्ष के थे दीक्षा लेने जा रहे थे, तो माँ ने कहा बेटा आहार नहीं मिला, अंतराय होंगे आदि आदि बहुत सारी बातें कहीं, समय हो गया इसलिए समेट रहा हूँ, बहुत सारी बातें कहीं, बेटे का उत्तर सुनने लायक है बस वो सुना रहा हूँ। कौन कौन ने क्या कहा, बालक है ना इसलिए कौन कौन कह रहा हूँ, हाँ ध्यान रखना, मैं मुनि दीक्षा ले लेता उसकी बात की कहानी, कौन कौन आचार्य देव कहता उनको है ना, समझना थोड़ा। बालक बोला माँ मैं आहार करने की विधि सीखने नहीं जा रहा हूँ, दीक्षा लेके आहार कैसे मिलेगा कहाँ मिलेगा ये सीखने नहीं जा रहा हूँ, अनंत काल तक आहार का विकल्प उत्पन्न नहीं हो ये विधि सीखने जा रहा हूँ। प्रभु अहेतुक है, तू हेतु कर रहा है, जब इतना जाना था तो प्रवचन करो, जब इतना जानते तो लिखो, जब इतना जानते तो ऐसे करो, ये अहेतुक का खत्म करने जैसी बात है। और अंतिम बात कह छुट्टी कर रही, चर्चा पूरी नहीं हुई, दोपहर में करूँगा इसकी, अहेतुक की चर्चा भी दोपहर में करूँगा, अभी नहीं हो पाएगी, इतनी जल्दी निपटाने से फ़ायदा भी नहीं है।
वस्तु को देखते ही अहितुक हो जाओगे, वस्तु को देखते ही अहितुक हो जाओगे। अभी तुम्हें यही लगता, तब क्यों करें? क्यों कभी पत्नी से कहते हो क्यों कमाएं? तो आत्मा के मामले में क्यों सोचते हो? क्यों तपस्या करें? क्यों कपड़े उतारें? पूजा क्यों करें? वहां तुम अहितुक होना चाहते हो। घर परिवार के बारे में कभी नहीं कहते हम रोटी क्यों बनाएं? सोचो, वहां तो हेतु है आपके पास। और पूजा पाठ में तो बस का नाम आते से कहते क्यों करें? अरे क्यों करें? हम पूछ रहे क्यों, रोटी क्यों खाएं? अब बोलो, अरे बोलो रोटी क्यों खाएं? तो फिर आत्मा क्यों जाने, स्वाध्याय क्यों करें? ये व्यवहार सही बताएं। शास्त्र भी इसलिए पढ़ो कि अहितुक को जान करके अहितुक हो जाए। भोजन भी इसलिए करो अहितुक को जाने। विस्तार करेंगे दोपहर में, अभी समय हो गया। ओम नमः शिवाय।